चले। नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाज का, इंडियन पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, उत्तर प्रदेश। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ आपके सब्जेक्ट सोशल प्लानिंग पॉलिसी एंड डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक नियोजन एवं विकास से संबंधित। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था या पढ़ा था, समझा था सोशल पॉलिसी के बारे में। आज हम बात करेंगे सोशल प्लानिंग के बारे में। तो सोशल प्लानिंग की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं सोशल पॉलिसी के बारे में, क्या होती है सोशल पॉलिसी। सोशल प्लानिंग के बारे में हमने बताया था कि जो सोशल पॉलिसी होती है, इस सोशल पॉलिसी में हम प्लानिंग करने से पहले तथ्यों को, आंकड़ों को, संसाधनों को एकत्रित कर लेते हैं, सर्वेक्षण कर लेते हैं, उनका मूल्यांकन कर लेते हैं, तत्पश्चात हम सोशल प्लानिंग किसी भी चीज की करते हैं। तो सोशल पॉलिसी क्या होती है? सोशल प्लानिंग से पहले ही एक प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास एक आंकड़ा होता है जो हम सर्वेक्षण के माध्यम से या मूल्यांकन के माध्यम से अपने पास एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात सोशल प्लानिंग यानी कि नियोजन, यहां पे हम एक नीति बनाते हैं, तत्पश्चात हम नियोजन करते हैं। नियोजन किसने करते हैं? विकास के लिए, ठीक है। जैसा कि सब्जेक्ट का नाम ही आपके पॉलिसी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमें विकास चाहिए होगा हमारे समाज का, समुदाय का, राष्ट्र का, समाज का, अगर हमें विकास करना है कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, तो सबसे पहले हमें विकास की योजना बनाने से, विकास करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसके लिए नीतियां बनानी पड़ती है। और इन नीतियों के बनाने के बाद, इन नीतियों के अनुसार क्या करते हैं? हम नियोजन करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तत्पश्चात तब जाके हमारा विकास होता है, हमारे राष्ट्र का, हमारे समाज का, हमारे समुदाय का। जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी से मिलना है, आप उस व्यक्ति से मिलने से पहले इसके बारे में सोचेंगे कि हम उसे कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, किस लिए मिलेंगे, क्या बातचीत होगी हमारे और उसके बीच में, ये क्या होती है आपकी प्लानिंग। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप लोग एडमिशन के लिए जाते हैं किसी भी कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले एडमिशन लेने से पहले आप क्या करते हो कि पहले देखते हो कि आपके अनुसार यानी आप जिस भी डिपार्टमेंट में, विभाग में एडमिशन लेना चाहते हो, उससे पहले अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हो कि कौन कौन से वो संस्थान हैं जहां हम एडमिशन ले सकते हैं। पहले उनका सर्वेक्षण कर लेते हो, पूरा डाटा, जानकारी कॉलेज से संबंधित, अपने कोर्स से संबंधित एकत्रित कर लेते हो। तत्पश्चात आप क्या करते हो? प्लानिंग तैयार करते हो, आप फिक्स कर लेते हो कि हमें कौन सी कॉलेज में जाना है। फिर क्या करते हैं आप वहां जाने के लिए एक निश्चित समय और दिन रख लेते हैं कि इस तारीख को इतने समय हम उस कॉलेज में जाके वहां से संबंधित नियमों को, अपने कोर्स के बारे में, फीस के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। तत्पश्चात या कहीं भी एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नियोजन की प्रकृति के बारे में कि नियोजन की प्रकृति कैसी है। नियोजन में निरंतरता होती है, क्या होता है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। जो हम प्लानिंग करते हैं वो लगातार होता रहता है। अब है दूसरा, प्राथमिकता। प्राथमिकता का मतलब, जैसे हमने बताया कि आपने बहुत सारे कॉलेज को देखा, आपने डाटा एकत्रित किया, आंकड़े एकत्रित किए, फिर उसके बाद आप किस कॉलेज को प्राथमिकता दे रहे हो, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ये आपकी प्राथमिकता तय करता है। फिर उसके पश्चात आता है सर्वव्यापकता, नियोजन की सर्वव्यापकता यानी कि यूनिवर्सल,
आप कहीं भी जाओ, किसी भी संस्था में जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, किसी भी समाज में जाओ, किसी भी स्तर में जाओ, तो आपको नियोजन करना आवश्यक होता है। यानी कि हर जगह नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। ये क्या कहलाएगा? सर्वव्यापकता। इसके बाद आता है कार्यकुशलता, नियोजन की कार्यकुशलता। कि नियोजन जो होता है वो हम देखते हैं कार्यकुशलता को, किस प्रकार की कार्यकुशलता की आवश्यकता पड़ेगी हमें किसी भी कार्य को करने में। इसके बाद आता है नियोजन एक मानसिक क्रिया होती है। नियोजन क्या हुआ? एक मानसिक क्रिया। मानसिक क्रिया क्यों है? मानसिक क्रिया इसलिए है क्योंकि आप जो भी चीजों को सोचे हो वो सब आपके दिमाग की एक उपज होती है, यानी कि पूर्व नियोजित क्रिया। किसी भी कार्य को करने से पहले सब कुछ आप अपने दिमाग में एक पूरा उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हो, एक पूरा प्लान तैयार कर लेते हो। इसलिए हम क्या कह सकते हैं इसको? नियोजन एक मानसिक क्रिया होती है। तो ये था हमारा नियोजन की प्रकृति। नियोजन की प्रकृति कैसी होती है? इसमें निरंतरता होती है, प्राथमिकता होती है, सर्वव्यापकता होती है, कार्यकुशलता होती है, और इसमें मानसिक क्रिया होती है। इसके पश्चात हम बात करेंगे नियोजन के प्रकार के बारे में। नियोजन का प्रकार का मतलब है हम नियोजन किस प्रकार से करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, लंबे समय तक के लिए करते हैं, क्यों करते हैं लंबे समय तक के लिए, और क्यों करते हैं थोड़े समय के लिए। ठीक है, तो नियोजन के प्रकार में क्या आ जाएगा? कौन कौन से? दीर्घकालीन नियोजन, और दूसरा है अल्पकालीन। दीर्घकालीन नियोजन क्या होगा? दीर्घकालीन से तात्पर्य है ऐसी योजनाएं या ऐसे नियोजन जो लंबे समय तक के लिए या लंबे समय अवधि के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? दीर्घकालीन नियोजन। दीर्घकालीन नियोजन लंबे समय तक के लिए व दीर्घ समय तक के लिए। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई बांध बनाना है, कोई डैम बनाना है, या कोई फैक्ट्री स्थापित करना है, तो ये जो परियोजनाएं होंगी या जो योजनाएं होंगी ये थोड़े समय में पूरी नहीं की जा सकती है, ये काफी लंबे समय तक चलने वाली योजनाएं होंगी, क्योंकि इसमें हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स होता है, धन संपदा होती है, या टेक्निक्स होती हैं, कई प्रकार की टेक्निक्स लगती हैं, और बहुत सारा धन संपदा इसमें लगता है, ह्यूमन रिसोर्स लगता है। अब हम बात करते हैं अल्पकालीन नियोजन। अल्पकालीन नियोजन का मतलब है थोड़े समय तक के लिए। जैसे हम मान लेते हैं अभी हम COVID-19 से पीड़ित, इसमें कुछ योजनाएं लंबे समय तक के लिए बनाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ राहत शिविर जैसे वो थोड़े समय तक के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ दिनों में ही पूर्ण कर ली जाती है। जैसे कि साल भर में 6 महीने में ऐसी योजनाएं क्या होंगी? हमारी अल्पकालीन योजना। इसके अलावा भी कई सारी योजना नियोजन के प्रकार होते हैं, जैसे कि भौतिक नियोजन है, फिजिकल नियोजन, क्रियात्मक नियोजन, या फिर स्तरीय नियोजन। स्तरीय नियोजन का मतलब जो संगठन स्तर पर नियोजन किए जाते हैं। इसके अलावा उद्देश्य आधारित नियोजन, ठीक, यानी कि एक खास उद्देश्य को लेकर ही जो योजनाएं या नियोजन किया जाता है। ऐसे तो हम देखते हैं कि कोई भी योजना या कोई भी नियोजन किया जाता है तो बिना उद्देश्य के नहीं होते, ठीक है। अब हम बात करेंगे नियोजन की प्रक्रिया के बारे में।
जाती है। ये प्रोसेस लंबी होती है क्योंकि अगर हम कोई भी प्लानिंग तैयार कर रहे होते हैं तो वो कई चरणों से होकर गुजरती है, चाहे छोटी परियोजना हो या बड़ी परियोजना, दीर्घकालीन परियोजना हो या अल्पकालीन परियोजना, सभी की एक प्रोसेस होती है और वो उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा ही पूर्ण होती है। अगर इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होगी तो हो सकता है कि वो हमारी योजना सफलतापूर्वक पूरी ना हो सके। तो नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहला पॉइंट क्या है? लक्ष्य का निर्धारण करना। यानी कि लक्ष्य का निर्धारण, जब तक हम कोई लक्ष्य नहीं बनाएंगे, लक्ष्यों का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक हम उस परियोजना को सफल नहीं कर सकते। ठीक है, अगली परियोजना क्या है? सीमा निर्धारण करना। सीमा निर्धारण करना का मतलब क्या हुआ कि जो हम परियोजना कर बनाएंगे या जो परियोजना के लिए हम तैयार कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उसकी समय सीमा निश्चित करना कि एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समय ड्यूरेशन तक हम इस परियोजना को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, और इसके क्रम में अगला है नियोजन की प्रक्रिया में वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण। कार्यविधियों का मूल्यांकन एवं विश्लेषण। हम जिस भी परियोजना में कार्य कर रहे हैं समय समय पर उसका मूल्यांकन करते रहेंगे कि हमें कब, किस समय कौन से टेक्निक की जरूरत पड़ेगी, कार्य क्षमता हमें कितनी लगेगी, ह्यूमन रिसोर्स क्या लगेगा, टेक्नोलॉजी क्या लगेगी, अभी हम इस परियोजना की कितने प्रतिशत पूर्ण कर चुके हैं, कितने प्रतिशत बची है। ठीक है, तो हम समय समय पर उस परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और विश्लेषण करेंगे और मूल्यांकन और विश्लेषण करने के बाद हम उसके कार्य को प्रगति करने के लिए और उसमें हम जो भी आवश्यकता होगी उसको ऐड करते जाएंगे या उसमें जोड़ते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। फिर है योजना का निर्माण। तत्पश्चात आता है अनुगमन। योजना का निर्माण, तत्पश्चात आता है अनुगमन। जब हम कार्य विधियों का मूल्यांकन कर लिए, उसका विश्लेषण कर लिए, तब हम तैयार करते हैं योजना। यहां से चालू हो जाती है परियोजना का निर्माण। ठीक, और अंत में है अनुगमन। जब हम इस योजना का पूर्ण निर्माण कर लिए हैं, लास्ट में हम क्या करेंगे? अनुगमन। अनुगमन यानी कि सफलताओं का मापन कि हम इस परियोजना में, परियोजना को पूर्ण करने में कितना सफल हुए हैं या अभी हमें किन चीजों की आवश्यकता है इस परियोजना को और पूर्ण या शक्तिशाली बनाने में। तो ये था हमारा सोशल प्लानिंग, सामाजिक नियोजन। आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे या फिर समझेंगे सोशल डेवलपमेंट को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।